मथुरा वर्षाना नहारे ग्राम पंचायत में प्रधानी चुनाव के दौरान दो प्रधान प्रत्याशियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। अनाधुंध फायरिंग हुई, इसमें प्रधान प्रत्याशी के पुत्र को गोली लग गई, वहीं चार अन्य लोग घायल हो गए। प्रधानी चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया और SP दयाल श्री चंद्र भी मौके पर पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्षाना थाना क्षेत्र के नहारे गाँव में गुरुवार प्रातः दो प्रधान प्रत्याशी उनके बीच में गोली चल गई। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी सियाराम, जो कि मथुरा स्थित होटल का मालिक है, उसके और पूर्व प्रधान रहे मलखान सिंह के समर्थकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। अनाधुंध गोलियां चली, इस दौरान एक गोली पूर्व प्रधान मलखान सिंह के 28 वर्षीय पुत्र के लग गई। घटना की सूचना के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल और PSC मौके पर पहुंच गई। जनपद मथुरा के थाना बरसाना के नहारा गांव में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते मतदान चल रहा था। जो प्रधान पक्ष के लिए जो प्रत्याशी हैं, महिलाओं के जो समर्थक हैं, वो वहां पर आए और फर्जी वोटिंग को लेकर उनमें विवाद हुआ, जिसको वहां पर तैनात पुलिस बल द्वारा खदेड़ा गया। बाद में गाँव में जाकर के पुनः दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडे के साथ साथ फायरिंग की भी सूचना है। दोनों पक्षों से कुल मिलाकर 3 लोगों को फायरिंग इंजरीज हैं, जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है, स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। अन्य लोगों को भी जिनको इंजरीज हैं उनका भी इलाज और मेडिकल कराया गया है। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल साथ ही साथ PSC तैनात कर दी गई है। हमारे और DM साहब द्वारा भी मौके का मुआयना कर लिया गया है। इस समय पर गाँव में शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है, लोग मतदान कर रहे हैं। इस घटना से संबंधित कुल 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुख्य अभियुक्त सियाराम व मलखान सिंह, जो कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। लगातार उनसे पूछताछ चल रही है, जिसमें अग्रिम विधेयक कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी।